भीगा रोमांस। मियां बीवी की खट्टी मीठी आशिकी, जिसे देख आप सोचेंगे कि बिन बादल ये बरसात कैसे हो गई, जिसने आस्था को भिगो दिया। ये श्लोक की शरारती शबनमें हैं जो आस्था पर बरस पड़ी हैं। तो जानना नहीं चाहेंगे इस शरारत की वजह? ये अगली रात को बहुत सारा नाटक हुआ है, बट जैसे आस्था हमेशा भूल के आगे बढ़ने में मानती है, शी इज ट्राइंग टू यू नो टेक थिंग्स लाइटली, तो मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी पहुँच जाती है इमोशनल टेंजेंट पे, फिर फाइनली मान जाते हैं। हाँ, बीवी इमोशनल अत्याचार करेगी तो मानना तो पड़ेगा ही। तो वो सुबह उठता है, उससे मस्ती हो रही है, मस्ती में मैं भी मस्ती कर देता हूँ, ठीक है, हंसी मजाक में बातें टल जाती है, तो और क्या चाहिए। जी हाँ, जो बीत गई सो बात गई। दरअसल काव्या को आस्था ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्या कराया, श्लोक के बाबा बुरा मान गए और श्लोक बाबू भी लूट कर सो गए, तो उनकी नींद हराम करने के लिए आस्था ने टी शर्ट में डाल दिए आइस क्यूब। हाजी फिर क्या था, आस्था पर पानी डालकर श्लोक ने भी कर दिया हिसाब बराबर। नोक झोंक का किस्सा किससे खत्म हुआ? चाटप की ये मोहतरमा, वो पेटेंट है हमारी, डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा आता है पूरे घर से, वो है सीता। वो तो घर में इसलिए रखा गया उसे। नहीं नहीं, वो उसी वक्त रोमांस खत्म हो गया था हमारा रोमांस। मॉर्निंग के हाँ बस हो गया, हमने अपना काम कर लिया। हाँ, हाँ, सीता आया, कोई आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ऐसे सीन सेट पर मस्ती का तड़का लगाते तो है ही, कहानी में भी रोमांस के रंग भर देते हैं।